आसर अजल तरजह शरीफ़ के वान से आपके ख़दमत में पेश कर रहे थे और आज उसीवान से मज़ीद एक बहस की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा और आज इनशाज़ीस हमारे मेहमान हजरत अस्लाम हजरतमसलिमिन आली जिनाह मौलाना ग़ुल मुस्फ़ान सारी साहब कबल होंगे अलबत्त मुल्तान में कुछ बारिशों की वजह से और कुछ जो है वो फ़नी खराबी की वजह से अभी तक उनसे रबत हमारा कायम नहीं हो सका इनशा लजीत जूँ ही उनके साथ हमारा राबा कायम हो जाता है गुफ्तू का सिलसिला किबला के साथ इन शारी रखेंगे सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि कल भी हमने इस चीज़ पर गुफ्तु की कि खुद जहूर हज़रत मुंजिया बशरीत इमाम आसर फरजहु तरजरीफ़ फर का मिनीन के लिए क्या फ़ायदा है अहले ईमान के लिए क्या फ़ायदा है और बल्कि उससे बाल तर खुद बशरीत के लिए कि जिसमें हती कुफ़ार भी शामिल है उनके लिए क्या फ़वाद है इसमें ख़ुद जहूर के क्या फ़वाद है से हमने गुफ्तु का सिलसिला कल थोड़ी सी गुफ्तु हमने की थी और आज भी उसी ान से हमारे गुफ्तु का सिलसिला आगे जाएगा लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मुकदमा तनाप की खिदमत में अर्ज़ करूँ हज़रत इमाम जाफर जाफरसाद सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि इस्लाम और कवानी इस्लाम दीन फितरत नहीं है लई समझना वो हम में से नहीं है कहने का मकसद क्या है इसका किस तरीके से जो है कवानी दीनिया फ़ितरत के मुताबिक है जिस अंदाज से इंसान की खिलकत हुई है उस अंदाज से और बिल्कुल उसके मुताबिक और उसके साथ मुनासिब ये अहकाम जो है वो अल्लाह सुबहान जारी फरमाए हैं चाहे वो किसी भी शक्ल में हो मिसाल के तौर पर अगर हम अब चीज़ यानी खुद नमाज को जो है वो मद्देनज़र नज़र रखे तो नमाज जो है अगर सुबह की नमाज जो है वो दो रकत है और जो टाइम उसका मुन किया गया है दीन फितरत के मुताबिक है यकीनन उस वक्त इंसान को हर हाल में उठना चाहिए यानी एक तरफ़ से वाजिब ज़रूर है लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि फितरत यह है इंसान की कि उस वक्त इंसान को उठना चाहिए अब उसमें जो है वो ज़ाहरी और बानी क्या रास छुपे हुए हैं डॉक्टर लोग सोबत करते हैं उस पर बहस करते हैं लेकिन असल ये है कि ये सारे राज जो है वो अल्लाह सुबहान मौजूद है मिसाल के तौर पर नमाज शब के लिए भी कुछ साल पहले यही बात हो रही थी कि हत अगर इंसान जो है वो आ, सोता रहे और सोता रहे और सोता रहे और बग़ैर किसी वक्फे के बगैर किसी फ़ासले के इंसान जो है अगर सोता ही रहे तो ये जो है वो इंसान के कल्बी के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं और उसके लिए हो सकता है कि आ, कुछ सालों के बाद या कुछ वक्त के बाद जो है इंसान जो है वह अमराज कल्बी में मुबतला हो जाए ये हो सकता है तो उन्होंने कहा कि इस वजह से कि ये जो वक्त नमाज शब है इसके लिए इंसान को उठना चाहिए चूंकि ये भी फितरत के और मिजाज के बिल्कुल मुताबिक है नमाज सोप भी इसी तरीके से और दूसरी जो नमाज़ें हैं और अमाल है वो उसका भी बहरहाल अपने अतबार से जो है वो फवायद है उसके इसी तरीके से दीगर इबादात में से जैसे खुद रोज़ा है रोज़े की भी यही फ़वाद है बहुत सारे डॉक्टर ने भी बहरहाल बहस की है लेकिन हम डॉक्टरों की बातें बहरहाल क्या उसको पेश करें लेकिन ये है कि खुद वो इसरार जो है वो अल्लाह के पास मौजूद है कि किस इस और ऐसे क्या आ, मसले हती के अल्लाह ने जो है वो रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया ज़ाहरी वजूहत भी है और बातनी वजूहत भी है बहरहाल वो अपनी जगह पर एक बहस है अलबत कि डॉक्टर ने भी ये कहा है कि हती ज़रूरी और लाजमी है कि साल में इंसान एक महीना अपने आप को भूखा रखे उनको इत, इतनी समझ आई है लेकिन अल्लाह जो है वो अल्लाह तो जाहिर सी बात है कि उसके मसाले और कितने फ़वाद होंगे कितने मसाले होंगे जिसका कोई इंसान इंसान अपने अकल के मुताबिक बात कर जाता है अपने मुख्तसर तहकीक में बहुत मुख्तर तहकीक है ये चूंकि इंसान जो है वो सिर्फ ज़ाहिर को देखता है वो भी सही नहीं देखता किसी न किसी जो उस जितनी उनके पास फैसिलिटीज़ है उसी एतबार से वो देखते हैं एक चीज़ को लेकिन यह है कि बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो मख्फी है अभी तक तो ऐसे ऐसे इब्तदाई चीज़ों के ऊपर भी इतफाक नहीं हो सका कि इंसान हैरान रह जाता है मसला दुनिया के गोल होने पर या दुनिया जो है वो मुरबे के शक्ल में है आज तक कोई ज़्यादा इस पर जो है वो इतफाक़ नहीं हो सका इतफाक नहीं हो सकेगा तो ये इब्तदाई चीज़ों में जो है वो आपस में मुतफ़ नहीं है तो चीज आई कि वो मुश्किल मरहल जिसको उन्होंने इंसान की रसाई नहीं है कि उस चीज़ को दर कर सके तो कहने का मकसद ये है कि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है हर चीज़ की जो है वो कोई ना कोई उसमें राज और रमूस जो है वो पन्हा है कि जो इंसान को शायद वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो जाए इसी तरीके से बहस महदवीत है कि बहसे महदवीत बहरहाल कि जैसे शिया पेश करते हैं अलबत् ये भी है कि खुद अगर हम बहसे गैबत के ऊपर जो है वो गुफ्तगु करें तो तकरीब पचास अहल तसन्न जो है वो इस चीज़ पर कायल है कि इमाम हसन असकरी आल साम का फ़र्जंद हज़रत इमाम महदियाज शरीफ वो बहरल कहाँ गए और किस तरीके से जो है वो विलादत जो है वो सबित हुई और बाद जो है वो शहादत साबित नहीं है तो जब शहादत साबित नहीं है तो इस इसवान से जो है उन्होंने कहा हो सकता है कि ये जो फिक जाफरिया के ताबे लोग है हो सकता है कि ये लोग जो है वो सही कहते हो सही कहते हो तो ये वो वहां पर जो है खुद बहस महदवीत के वान से तो जहां पर यह खुद बहसे महदवियत है ये खुद फितरत इंसानी के मुताबिक है ऐसा ही होना चाहिए था कि जैसा हो रहा है यानी पूरे यह निजाम जो है ये ऐसा इसको अगर मैं इस इन अल्फाज में कहूँ कि खुद जो है वो एक हिसाब करदा एक हिसाब करदा चीज़ है जिसको जो है इंसान हो सकता है कि आज हमें समझ नहीं आ रही लेकिन बाद में जो है वो समझ आ जाए तो खुद बहसे महदवियत ये ख़ुद ऐनी ही फितरत के मुताबिक है कि ऐसा ही होना चाहिए था कि एक इमाम को आखिरी जमाने में गैबत में जाना चाहिए और फिर जो है उनकी तूलानी ग़बत होनी चाहिए सब फ़वाद के ऊपर सब जो है वो इन, इसके फ़ायदे हैं और हता बहस रचत और उसके अलावा जो है वो ये सारे के सारे जो है वो उस बहसों में खुद इंसान के अहन फितरत के मुताबिक है अच्छा हमारी गुफ्तु जो है वो इस से है कि फ़वाद क्या है ख़ुद ज़हूर के तो ूर के बहुत सारे फ़वाद हैं उसमें से मुख्तर कुछ कुछ फवायद को जो है वो आ, अलामा सैयद मोहम्मद तकी मौसवी साहिब साहिब वो उन्होंने भी कुछ ना कुछ चीज़ इसमें से फ़वाद के ऊपर जो है वो बहस की है सबसे बड़ा फ़ायदा जो दीन का जो जो जहूर का है उसमें कोई शक नहीं है कि जो कुरान में भी उनका उसका इशारा है कि हम दीन इस्लाम को दूसरे अदियान पर गलब कर देंगे वलव कर हल कर हलमशरकून चाहे मुशरकिन को ये बात बुरी ही क्यों ना लगे तो बस सबसे पहली चीज़ यह है कि खुद दीन खुदा को दूसरे अद्यन के ऊपर गलबा आज के इस दौर में जो है वह अंदाज़ा नहीं होता हर शख्स जो है हर फिरके का जो है वो गुरु बैठा हुआ है और वो जो है उसी अंदाज से जो है लोगों को अपने जो है वो भाषण वो देते रहते हैं और अपने उनके अपने दीन को हक और हकानियत भी समझते हैं उनके तरफदार भी है ये सारा कुछ है यानी ये साबित शुदा है कि बेशक अगर कहीं का भी आलम है तो वो किसी दूसरे फ़िरकों को ख़त्म नहीं कर सकता इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि उसने अपना मान लिया है लेकिन ऐसा एक वक्त ज़रूर आएगा कि जब दूसरे मजहबों के भाषण बंद हो जाएंगे यानी दीन इस्लाम का गलबा यही है कि जहाँ आप देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग मम्बर पर मम्बरों पर बैठ के, के गुफगू करते हैं हिंदुज़म वाले अपने आ, हिंदुस्तान में ज़्यादातर तैदाद हैं इनकी अपने मंदिरों में अपनी जगहों पर बैठ के ये लोग जो है वो गुफ्तु करते हैं उसके अलावा जो है मुसलमानों में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ अपने फ़िरक़े के अतबार से जो है गुफ्तु करते हैं मसला हत फिर फिरकों में भी फ़िरके हैं और उसके अलावा जो है दूसरे अहदियान है तो हर शख्स जो है वो अपने अतबार से किसी ने जो है वो अलामत जो है सलीब की अलामत लगाई हुई है किसी ने जो है वो यहूदियत की कीत लगाई हुई है किसी ने इस्लाम की कोई जो है वो बुद्धाज़म के उसने जो है अलामत लगाए हैं तो दीन इस्लाम का गलबा तब होगा कि यह सब के सब के ऊपर जो है दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा और ये दीन जो है वो उनका अख्तितमाम हो जाएगा लेकिन उससे ये मुराद नहीं है कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत लोगों को दीन को जो है वो ख़त्म कर देना बल्कि उसके जो पैरावकार होंगे वो खुद जो है दीन इस्लाम को कबूल कर लेंगे इंसाफ और जो माशरे में अच्छाई होगी उन चीज़ों को मदनज़र रखते हुए वो लोग जो है वो कबूल कर लेंगे वो कहेंगे कि इससे बेहतर हाकिम नहीं है इससे बेहतर जो है वो आइन और कानून नहीं है इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए यानी ये कहना कि खुद हजरत इमाम ज़माना अजल तरजरीफ़ खुद हजरत जो है वो सबसे बेहतरीन हाकम है और ये जो दीन ले आए हैं ये बेहतरीन दीन है आज के इस दौर में ठीक है मुराद यह है कि अदादी को मद नज़र रखते हुए कुछ चीज़ों का जो है वो फैसला करते हैं महाराज एजाम बैठ के उस पर जो है वो दलाइल को देख के वो वहाँ से हुक्म शर् का इस्तराज कर लेते हैं और हत्ता वहाँ पर एहतियात करते हैं कि जहाँ पर दलील नहीं मिलती दलील न मिली यानी कुछ किताबें हैं कि जहाँ पर उन किताबों को मद्देनज़र रखते हुए एक मर्जा एक मुज्तहिद उसी एतबार से ये सिलसिला जारी रखता है लेकिन इमाम के लिए कोई इन चीजों की जरूरत नहीं होगी मसला जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज होगा हो लोगों के ऊपर बिल्कुल वाज़े होगा तो सबसे पहली चीज यह है कि खुद गलब हक الباطل बहुत सारे आयात कुरानी इस उनवान से जो है वो मौजूद है अलक वजहक अलबातिल इस किस्म के हक़ हाँ का क़्याम हो जाएगा और बातिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और या जो है वो इस्लाम के गलबे वाली या हत अशरक़तल अर्स बनूर रब हा इसम के बहुत सारे रवायात का एक सिलसिला है कि जिससे अंदाज़ा ये होता है कि हज़रत मुंजिया आलम बशरीत मामजमान जजल तरजरीफ़ जब ूर फरमाएंगे तो उस वक्त जो है ये सब के सब अदियान के ऊपर गलबा और हक हाँ का कयाम बातल का ख़त्म हो जाना और हता बाद जगहों पर ताबीर जो है मुख्तलिफ है उसमें यह भी है कि हता जो दूसरे अमूर है उनको ज़ुलमात से तशबीह दी गई है और ख़ुद जो है वो इस्लाम और तलिबात इस्लाम को नूर से तशबीह दी गई है तो यह है कि खुद नूर का नूर का क्याम और जो बातिल है जुलुमात है उसका खात्मा ये उन फवाइद में से है कि जहाँ आजकल के इस दौर में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर शख्स जो है वो बैठा है अपने फ़िरके में हक और बातिल अगर कोई शख्स जहमत न करे तो हो सकता है हक जो है वो वाज़े ना हो जाए लेकिन उस दौर में ऐसा होगा कि हक़ जो है वो वाज हो जाएगा कुछ मोज़ाती चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि इमामत की हकमत अमली इमाम से कामिल और मुकम्मल कौन हो सकता है इमाम जो है वो कामिल है इमाम को ये नहीं कहा जा सकता कि इमाम जो है वह आके लेवल के ऐन ही अकल है तो ये कहना कि इमाम की जो है वह हमत अमली ऐसी हमत अमली होगी कि जहाँ हर शख्स तक दीन जो है वो पहुँचाएगी आज के इस दौर में हो सकता है बहुत सारे इलाकों तक दीन जो है वह ना पहुँचा हो सही दलील के साथ सही दलील के साथ ना पहुंचा हो लेकिन यह है कि उस दौर में हर शख्स तक दीन जो है वह पहुंच जाएगा और यहाँ पर जो है खुद ये ये वो फवायद है कि जो एक इंसानी मिजाज के मुताबिक है बहुत सारे इबहाम का खात्मा हो जाएगा लोगों के पता नहीं कितने अकीदे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा जिसका जिसकी कोई हकीकत नहीं है बाज़ ऐस, ऐसे चीज़ों पर लोगों ने जो है ना वो अपने दीन बनाए हुए हैं कि जहाँ वो चीज़ बिल्कुल गुजरी नहीं है तारीख में ही नहीं है लोगों ने बना लिए हैं लोगों के ऊपर एतक़ाद भी रखते हैं तो ये सब चीज़ें यानी इंसानियत के लिए जो है वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह सब चीज़ें जो है वो वाज और आश्कार हो जाएगी तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के फलाह बहबूद के लिए और उसके अलावा जो बाज़ अहदीस में इस दुनिया का जैसे आजकल हम देख रहे हैं आजाब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यानी एक तो अल्लाह की तरफ से आज़ाब है दूसरे जो है वो ख़ुद लोगों ने जो है वो एक दूसरे के ऊपर मुसलत कर दिए हैं महंगाई उसमें से है एक चीज़ है महंगाई आज कल कितने जो है वो जवान लड़के और लड़कियाँ हैं कि जो शादी जो है वो नहीं कर सकते उसकी वजह ये है कि वो आ, माली माली वसाइल कि फराहम ना होने की वजह से शादी से महरूम है या जो है वो ऐसे मवारद भी है कि बेकारी बहुत ज़्यादा है जॉब का मसला बनता है लोग जो है वो इसी वजह से अपने वतन को तर करके बिलाद कोफर की तरफ़ चले जाते हैं वजह क्या है वजह ये है कि इनको सही तरीके से जो है अपने वतन में इनके लिए जो है मौाक़ फराहम नहीं है मुस्तबिल को नहीं देख रहे घबरा गए हैं कि हो सकता है कि हम जो है वो मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो यहां पर एक रिवायात का एक सिलसिला है कि जब हजरत जहूर फरमाएंगे तो ये दुनिया जो है वो जन्नत नमा हो जाएगी जन्नत नमा कोई इस किस्म का मसला जो है वो दरपेश नहीं होगा जो बड़ी मशहूर बात है कि हती अगर एक खातून जो है वो जैसे आज कल के इस दौर में चोरियाँ डकेतियाँ मुश्किल ये सब फकर की वजह से है क्या समझते हैं आप कि एक शख्स जो है हो सकता है बाज़ लोग जो है वो जतान ख़बासत उसमें हो लेकिन बहुत सारे लोग हैं ज़न खबीस नहीं होते हालात ने उनको ख़राब किया होता है आज के इस दौर में अगर मसला निकाह अगर सही तरीके से होते तो लोग जो है वो जना की तरफ ना जाते मसला ये एक उसमें से मोरद है अगर सही तरीके से अदल इंसाफ़ के साथ काम लोगों को मिलता हर शख्स को अपने हैसियत के मुताबिक बाजा ऐसी भी है दो टक्की की तालीम नहीं होती और जो है वो ऑफिसर है इक्कीस ग्रेड ऑफिसर बन चुका है कोई तालीम नहीं है कोई एजुकेशन नहीं है कुछ भी नहीं है बाप के तलुक की वजह से इस हाथ पर ये पहुंच चुका है तो एक ये नााहल बैठा है दूसरा अहल है जो इस मकाम का असली अहल है वो बस चपड़ासी की नौकरी कर रहा है मिसाल के तौर पर तो एक चीज जो हजरत की हुकूमत में होगी वो ये होगी कि लोगों के रिसक के मसाइल जो है वो हल हो, हो जाएंगे और उसमें से ये है कि हर शख्स को उसके मुताबिक जितना होना चाहिए हर शख्स को उसके हक के मुताबिक चीज़ जो है वो फराहम हो जाएगी जैसे मैंने कहा कि खुद सारी चीज़ें जो है वो फितरत के मुताबिक आज अगर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो मुश्किल का सबब है बढ़ती हुई आबादी मुश्किल का सबब नहीं है बल्कि मुश्किल का असल जो मसला है वो यह है कि खुद कानून नहीं है कवानी जो है वो इस्लामी कवानीन के ऊपर अमल नहीं किया जाता और इसकी वजह से जो है बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं इसमें कोई शक शुबा नहीं है लेकिन इसमें यह हो सकता है कि अगर एक सही कानून जो है वह आ जाए तो जो निजाम फितरत है उसको कोई खराबी नहीं होगी आज अगर ये सवाल उठता है कि भाई चौदह सौ साल पहले लोगों ने जो है जो मुश्किल बनाए थे आज आज भी उनके ऊपर लानत की जाती है तो आज तो वो नहीं है तो जवाब इसका ये है कि उन्होंने फितरत खुदा के खिलाफ जो है वो अमल किया था अल्लाह की फितरत कुछ और थी अल्लाह ने कुछ और चीज़ मुकर्र की थी इन लोगों ने जो है वो कोई और तरीके से ये किसी और तरफ गए तो इसवान से जो है ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है कि समझा जाए कि अगर हज़रत ूर हज़रत के ये फ़वाद है कि असल जो निज़ाम फ़ितरत की खराबी हो चुकी है वो इस इसवान से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिसाल के तौर पर ये जो का सिलसिला है जुल्म का सिलसिला जो लोगों ने जारी किया जिसमें से मसला बनवा मैया के मजाले में है बनो अब्बास के मजाले है लोग जो है वो सिर्फ़ महज इस नवान से उनसे मुतनफ़िर है चूँकि वो अहलैद के दुश्मन थे यह हकीकत है होना भी ऐसा ही चाहिए हमारा मैार लेकिन इससे हटकर भी वो चीज़ है कि ये लोग खुद फितरत की भी खिलाफ थे इन्होंने निज़ाम फितरत में मुश्किल पैदा किए हैं फितरत इंसानी जो है ऐसी थी कि खुद हजारत आहलैत जो हस्तियाँ हैं इमामत के हकदार जो कि फितरतान इमाम थे अल्लाह ने उनको इमाम बनाया था उनको लोगों ने छोड़ के दूसरी तरफ चले गए जो कि खुद फितरत के साथ ये जियाती है जो उन्होंने की है और फिर जब एक दफ़ा खराबी पैदा हो गई तो फिर यह खराबी का सिलसिला आगे जाता रहेगा आज के इस दौर में मुश्किल की एक वजह ये जो है सकीफाई निज़ाम है जिसको निज़ाम सकीफ़ा कहते हैं अगर निज़ाम गदीर को जो है आज के इस दुनिया में राइज कर देते और बारहा इस मौजू के ऊपर हज़रत आयतलसम सैद साद हुसैनी शेराज दामद बाराकत इशारा फरमा चुके हैं कि अगर निज़ाम निज़ाम गदीरी होता गदीरी निज़ाम कि अल्लाह ने जिस तरीके से या यूहर रसूल बलमाबिकम तफ़ अल्फम बलखरस अगर इस निज़ाम के ऊपर जो है जो अल्लाह ने बनाया था अगर उस निज़ाम पर इंसानियत रसूल ने ऐलान कर दिया था गदीर में गदीर फितरत था फितरत का तकाजा वही था इंसान को फितरत की तरफ जो अल्लाह ने जिस चीजों को मुकर्र फरमाया है उसकी तरफ रहनुमाई करना जो कि उनके ऐन ही फितरत के मुताबिक फितरत से मुराद जो है वो यही है कि उनके अगर ऐसा ही जो तरीका अल्लाह ने बनाया है यही सही है निजाम से चलना है ना यह कि यह खुद गर्जी हो खुद ही नहीं है मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई सुबह रात को जो है सोना चाहिए इंसान को एक शख्स कहे भी हमने नहीं सोना है ये तो जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ हम किसी के थोड़ी ना ताबे बच जाएंगे लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं रात को सोना चाहिए तो इस निजाम को और इस फितरत को जो अल्लाह ने बनाई है ये इंसान के आनी हुक्म खुदा हुक में फितरत भी है जो कि उसके लिए ज़रूरी है तो ये ये निज़ाम है कि अगर हम आज कल इस दौर में खुद उन लोगों से मुतनफिर है तो उसकी एक वजह यह है कि निज़ाम फितरत में उन्होंने खराबी ला चुके हैं और लोगों को उन्होंने दूसरी तरफ जो है वो गाइड किया कितना अरसा खुद जब ये सकीफा वाकई सकीफा कोई छोटी बात नहीं है पच्चीस साल तक लोग जो है वो बेला तकलीफ थे जवान बड़े हो गए जो बूढ़े थे वो फौत हो गए हरसा गुजर गया बच्चे जवान हो गए तो और वो जवान जो है वो एक गलत तफक्कुर के साथ वो पले बड़े जरूरी है इस चीज को तो ये जो निजाम है निज़ाम इमाम जमाना अजल्ला फर्जरीफ जो तारीख़ी गलतियाँ हुई है उनके सुधारने के लिए उनको सही करने के लिए उनकी तसीह करने के लिए हज़रत हजरत ज़हूर फरमाएंगे अल्लाह सुबहान उस मुश्किल को हल करने के लिए ये जो है वो तसही जो है वो ज़हूर के साथ फरमाएंगे तो बस उसका एक फ़ायदा ये है कि ज़हूर जो है दर हकीकत उस तसहीह का नाम है कि जो तारीख़ में जो ग़लतियाँ गुजर गई है उसकी उसका इजाला हो जाएगा एक तरीके से और गलती जो है वो ख़त्म हो जाएगी हक जो है वो वाज हो जाएगा वक्त हमारे इंतहा पर है और आखिर में हजरत खुदा के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं अल्लमजेल लेवली ये यकल फरज